हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे LLB फिफ्थ सेमेस्टर ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो दोस्तों, 100 नंबर का पूर्णांक होगा, 1.5 घंटे का ये पेपर होगा। खंड अ और खंड ब दो खंड दिए होंगे और लघु उत्तरी प्रश्नों में से 150 शब्द को लिखना है और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में से 350 शब्द को लिखना है। लघु उत्तरी प्रश्न में प्रथम क्वेश्चन, मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए। दूसरा, मानव अधिकार के वर्गीकरण को समझाइए। तीसरा, मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को समझाइए। चौथा, मानव अधिकारों के वियना सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। शरणार्थियों की परिस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठवां, रिशु विचारण से आप क्या समझते हैं। सातवां, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की भूमिका को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या समझते हैं। वृद्धों के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्यारहवां, भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार। 12वां, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये 60 क्वेश्चन हैं, इसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अब आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न खंड ब में से एक प्रश्न करना है। पहला प्रश्न, मानवाधिकारों की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास की विवेचना कीजिए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा के अंतर्गत मानवाधिकारों के प्रवर्तन हेतु दिए गए विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र की विवेचना कीजिए और इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की व्याख्या कीजिए। मानवाधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के सुसंगत प्रावधानों का वर्णन कीजिए। पाँचवा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। छठवां, भारतीय संदर्भ में मानवाधिकारों के संरक्षण में न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।